इसके इस्तेमाल से आपके बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा, बालों की लंबाई बहुत ही तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके गंजे सर पर बहुत ही ज्यादा घने काले लंबे बाल हो जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बालों की लंबाई बहुत ही तेजी से बढ़ा सकते हैं, अपने बालों का टूटना झड़ना रोक सकते हैं और जो आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है उस ग्रोथ को आप दोबारा से कैसे ला सकते हैं, जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा घने हो जाएंगे और बालों की लंबाई बढ़ने के साथ साथ आपके बालों की खूबसूरती भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। गाइज, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, या फिर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूटने झड़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से आपके सर के बाल बहुत ही ज़्यादा हल्के हो जाते हैं और आपका सर गंजा दिखाई देने लग जाता है। ये प्रॉब्लम लड़के और लड़कियों दोनों के साथ होती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके बाल देखने बहुत ही ज़्यादा काले घने लंबे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, आप बहुत ही यंग दिखाई देते हैं और बाल कम होने की वजह से आपकी एज भी ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसा कारगर नुस्खा बनाऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने टूटते झड़ते बालों का टूटना झड़ना रोक सकते हैं, अपने बालों को दोबारा से उगा सकते हैं और जो सर के बाल आपके बहुत ज़्यादा हल्के हुए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा काला घना लंबा बना सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपको इन नुस्खा से समझ आए। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गाइस, चार चीज़ों की मदद से मैं इस नुस्खे को बनाने वाला हूँ, जिसमें पहली चीज़ है गाइस प्याज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको प्याज ले लेनी है, आपके घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। आपको सिंपली करना है कि प्याज को छील कर अच्छे तरीके से इसको कद्दूकस कर लेना है और इसका रस निकाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से आपको कद्दूकस करके प्याज का रस निकाल लेना है और एक कटोरी में आपको निकालने के बाद कुछ इस तरीके से एक साफ कटोरी में आपको प्याज का रस ऐड कर देना है। ये देखिए गाइस, गाइस प्याज के रस के अंदर सल्फर होता है जो बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों के बाल टूटते झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है या फिर बालों की काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना, जैसे बालों का बहुत ही ज़्यादा टूटना झड़ना या फिर बालों की लंबाई ना बढ़ना और धीरे धीरे करके सर बहुत ही ज़्यादा गंजा दिखाई देने लग जाना, ये सभी समस्याओं पर प्याज का रस बहुत ही तेज़ी से असर करता है। आपके बालों को रीग्रो करता है जिससे आपके बालों बहुत ज़्यादा तेज़ी से उगने लग जाते हैं और बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है और बाल टूटने झड़ने भी बंद हो जाते हैं। सो गाइस, आपको सिंपली प्याज का रस निकाल लेना है। अब आपको इसके अंदर दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो गाइस कैस्टर ऑयल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, कैस्टर ऑयल के अंदर वो सारी खूबियाँ होती हैं जो बालों को ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसकी वजह से आपके बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी और जो बाल बहुत ही ज़्यादा हल्के हो जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घने होने शुरू हो जाते हैं। गाइस, ये बहुत ही नेचुरल ऑयल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये 100% बालों पर बहुत ही तेज़ी से असर करता है किसी भी और तेल के मुकाबले। जो लोग कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल अपने बालों में करते हैं उनके बाल बहुत ही ज़्यादा काले घने लंबे सिल्की शाइनी दिखाई देते हैं। सो गाइस, आपको सिंपली करना है कि एक चम्मच से ज़्यादा कैस्टर ऑयल इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए गाइस, इतना कैस्टर ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब गाइस, तीसरी चीज जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो है गाइस एलोवेरा जेल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, एलोवेरा के अंदर वो सारी खूबियां होती हैं जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी दिखाई देने लग जाएंगे और बालों की चमक इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ ड्राई दिखाई देते हैं उनके बालों पर एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा असर करता है। ये देखिए गाइस, एक चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये एक चम्मच एलोवेरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब गाइस, लास्ट चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइस विटामिन ई कैप्सूल। ये विटामिन ई के ईवियन 400 mg के कैप्सूल मार्केट से आते हैं, कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। 20 से 25 रुपए का ये पत्ता आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको ये ले आने हैं और 2 से 3 कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। गाइस, 3 विटामिन ई कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब आपका नुस्खा लगभग बनकर तैयार हो गया है। पहले इसे मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको अपने बालों में इस्तेमाल करना है। ये एक सीरम की तरह बनकर तैयार हो जाएगा, एक ऑयल की तरह आप इसको अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, 2 से 3 मिनट तक आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए गाइस, मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके आप देख सकते हैं ये एक सीरम की तरह दिखाई देगा। आप ऑयल की तरह इसे अपने बालों में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको अपने बालों में लगाना है जिससे आपके बाल दोबारा से उगने शुरू हो जाएं, बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाए और बाल बहुत ज़्यादा काले घने लंबे हो जाएं। ये देखिए गाइस, गाइस आपको सिंपली करना है कि आप रात को इसको अपने बालों में लगाकर सो सकते हैं या फिर आप नहाने से आधा या एक घंटा पहले इसको अपने बालों में लगा लीजिए। आपको सिंपली करना है कि कुछ इस तरीके से लेकर अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से मसाज करनी है
और कम से कम आधे या एक घंटे तक आपको इसको अपने बालों में लगा रहने दे सकते हैं। आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं और रात को लगाएंगे तो आप पूरी रात के लिए इसको अपने बालों में लगा रहने दे सकते हैं। गाइस पूरी रात लगा रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से असर कर पाएगा, नहीं तो आप कम से कम एक घंटा इसको अपने बालों में लगा रहने दीजिए और उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। गाइस एक घंटा जब आप इसे अपने बालों में लगा रहने देंगे तो ये आपके बालों की जड़ों में असर करेगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके बालों पर बहुत ही तेज़ी से असर दिखाना शुरू कर देगा। आपके बालों की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा और जो बालों की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई थी वो ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगेगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। उसके कंटिन्यू इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ज़्यादा काले घने लंबे सिल्की व शाइनी हो जाएंगे। जो भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है बहुत ही नेचुरल है, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको 100% रिजल्ट देगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है गाइज। सो गाइज अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ बिल्कुल ही कम हो गई है, तो आप कुछ इस तरीके से नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।